एक छोटा सा अगर जेल का एक जेल सिपाही भी होगा ना, आप उसके मंथली सैलरी पूछो, ठीक है 50,000 40,000, और उससे पूछना भाई तेरे ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद तू कितने की जमीनें ले चुका है अभी तक, तेरे तेरे नाम पर, तेरे परिवार के नाम पर कितने की जमीन है। ये आप कहीं भी लेवल पर ले लो सर, एक नॉर्मल एक बीड़ी का बंडल, एक 10 रुपए का बीड़ी का बंडल 500 रुपए में बिक रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या आपको लगता है कि जेल के अंदर तिहाड़ के अंदर भी एक खैनी का पैकेट 1500 रुपए में बिक रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन की मर्जी के वहां जा रहा होगा? क्या जेल के अंदर एक मोबाइल फोन जेल के अंदर 10-10 लाख रुपए का मोबाइल फोन जा रहा है, क्या परमिशन के बिना जा रहा होगा? बताओ भाई, क्या जेल में जैमर्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी आपके जेल से थ्रेड जा रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन के कोई ये कह दे? कभी पॉसिबल ही नहीं है। कितना पैसा लाएगा आदमी, जबरदस्ती फोन करवा लेंगे उससे, सबका बैकग्राउंड सबको पता होता नहीं होगा, ब्लेड मरवा देंगे चेहरे पर 2 मिनट में। जेल में अगर पैसा नहीं होगा तो एक रोटी नहीं खा पाएंगे ढंग से, अब वो पैसा कैसे कमाएं? सिर्फ आपको आपके खाने के अंदर सिर्फ प्याज और टमाटर का छोंका चाहिए तो उसके लिए भी लाख रुपए देने पड़ेंगे ना यार। और आपको कुछ नहीं करना, आपके अपने दोस्त अपने परिजनों से बात करनी है ना, कुछ नहीं, बात करने के लिए भी महीने का 5 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको, आपके तक एक मोबाइल आएगा चुपचाप से। कितना पैसा दे दिया होगा आसाराम आसाराम ने, आप सोच भी नहीं सकते। जोधपुर जेल में VIP ट्रीटमेंट रहते हैं, बिल्कुल 100%। तो मुझे तो लगता था कि साला सबसे भ्रष्ट हिंदुस्तान में ये है, मुझे जेल पता चला तो मुझे लगा इससे ज्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं।